आप लोग काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि एगलेस स्पॉन्ज बनाऊं, एगलेस स्पॉन्ज बनाऊं, तो लो मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए आज एगलेस स्पॉन्ज। और विदाउट ओवन भी आप इसको बेक कर सकते हैं, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, फ्री होता है। बहुत ही ज्यादा नजदीक है हम लोग 100 के सब्सक्राइब कर, सो प्लीज करवा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, कुछ नहीं जाता। जितना हो सके उतना शेयर करो। होममेड के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल से तरीके से है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका फुल रेसिपी डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने लिया है 1 kg तेल, 1 kg मैदा, 1 kg शुगर और 1 kg दूध, और बेकिंग पाउडर हमने लिया है 15 ग्राम। आप लोग चाहें तो इसमें अगर आपको अगर जैसे वनीला यूज करना है तो सिंपल जो रेसिपी है उसी को इस्तेमाल करें, वनीला रेसिपी बन जाएगा। अगर आपको चॉकलेट बनाना है उसके लिए तो आपको 75 ग्राम मैदा, वो कोको पाउडर ऐड करना पड़ेगा। बाकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा चॉकलेटी है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना पर्सनल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो कि मैं खुद कितने सालों से बना रहा हूँ इसको, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हो सके तो शेयर जितना हो सके उतना कीजिएगा। इसका इस स्पॉन्ज का लाइफ टाइम भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग होम बेकर हो या फिर होममेड से आप लोग सप्लाई करते हो केक वगैरह, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। और काफी अच्छा रेसिपी है और काफी दिन तक चलता है। मिनिमम मिक्स का एक्सपायरी डेट है ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास, तो आप लोग इसको इजीली मतलब स्पॉन्ज बनाकर फ्रिज में रख सकते हो। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा फेस टाइम वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को नर्वस टाइप का लगता है, बट एनीवेज धीरे धीरे करके बहुत जल्दी कुछ करेंगे। और मेरा थोड़ा सेटअप देखकर कोई भी ऐसा जज मत करना गाइस, क्योंकि जितना है मेरे पास उतने मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, जितना मेरे पास है उसी में आप लोगों को खुश करता हूं, चाहे मैं भी खुश रहता हूं। एक बैग से कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम जरूर लगता है हर किसी को आगे बढ़ने में। एग्जैक्टली सेम हमारे साथ भी हो रहा है, अभी थोड़ा सा कम है तो कम में काम चला रहे हैं, जब ज्यादा होगा तो ज्यादा के साथ ही ढंग का सेटअप करेंगे। बट में भी थोड़ा सा टाइम की जरूरत है और आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। बाकी एक नहीं एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी ढंग का सेटअप लगाएंगे और एक एक ढंग से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी मैं फोन में ही रिकॉर्ड करता हूँ, फोन में वीडियो वॉइस ओवर भी करता हूँ, हर चीज फोन से ही करता हूँ, फोन से ऑर्डर वगैरह भी लेता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं एक ही फोन से, जिसके वजह से जैसा भी होता है मैं वैसा करता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि देख सकते हो हमारा चॉकलेट बेटर रेडी हो रखा है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता पाया, पर अभी बता देता हूँ। पहले हमें लेना है शुगर, उसके बाद उसमें डालना है ऑयल, उसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर ले। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो बेटर है, नहीं तो आप विस्क से भी अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है मैदा, मैदा डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर ले। मैदा के साथ ही आप बेकिंग सोडा डाल दे, बेकिंग सोडा के बाद आप दूध डाल दे लास्ट में। दूध डालने से मतलब थोड़ा सा जो भी दाने दाने नहीं रहना चाहिए, उसके बाद आप लोग अपने तरीके से निकाल सकते हैं जो भी साइज में चाहिए उसमें। अगर आपको चॉकलेट बनाना है तो आप 75 ग्राम कोको पाउडर ऐड कर दो, बाकी इजीली और बहुत ही प्यारा रेसिपी तैयार हो जाएगा आप लोगों के सामने। गाइस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग बहुत ही ज्यादा नजदीक है 100 के सब्सक्राइबर में, सो प्लीज आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने देख सकते हो एक मैंने पेस्टी के लिए स्क्वायर में निकाला है, बाकी 1/2 kg के साइज में और 1 kg के साइज में भरकर निकाल दिया है। और बेकिंग करने के बाद बहुत ही प्यारा रेसिपी निकलता है। अगर आप लोग गैस पे बेक करते हैं जैसे विदाउट ओवन, तो आप उसके साथ में जो भी अटैचमेंट होता है वो आप ऐड करके इजीली बेक कर सकते हो। मैंने काफी दिन तक गैस में भी बेक करा है, कुकर पे भी बेक करा है, तो बहुत ही प्यारा बेक होता है। आप लोग डेफिनेटली ट्राई करना और बाकी फाइनल रिजल्ट आप लोग देख सकते हो कितना स्पॉन्जी और कितना प्यारा स्पॉन्ज हमारा बना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। बहुत ही जल्दी हम लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।